बढ़ सकते, रुको। छोड़ दो उसे। देखो देखो उसके पास मत जाना, रुक जाओ। देखो मेरी बात मानो, उसके पास मत जाना। नहीं सुनो, रुक जाओ, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। वहीं पर रुको, आगे मत बढ़ो, रुक जाओ। क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ दो उसे, नहीं उसके पास मत जाओ। छोड़ो उसे, नहीं छोड़ दो उसे। Yeah.
कुछ नहीं होगा। आप बाहर देख लीजिए। आप जरा ठीक से पकड़िए। आराम से। हाँ 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 आराम से। आप जरा इनके हाथ को रगड़ दीजिए। ए, तुम्हारी पहले उससे कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं सर, हम उससे पहले एक ही दो बार मिले हैं, हमारी उससे बात तक नहीं हुई। ए, झूठ मत बोलना। ऐसा नहीं है सर, सच बोल रहे हैं सर, हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी सर। उसने हम लोगों को क्यों मारा, हम लोग बहुत कंफ्यूज हैं सर, देखे ना कितना मारा है। सर वो दोनों ज्यादा जख्मी थे, लगता है लड़के ने शराब पी रखी थी। उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और कुछ नहीं, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती हम कुछ नहीं कह सकते। नाम क्या है आपका? आप फिल्म के डायरेक्टर हैं और अट्टा कत्ती फिल्म के हीरो हैं आप। किसी भी हालत में मैं उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहता हूं। ये बताइए, 2 साल पहले आप कहां रहते थे? आपका एड्रेस बता सकते हैं? आप मिमिक्री भी कर सकते हैं क्या? चुप हो जा। ये तो लड़की की आवाज नहीं लगती। मुझे माफ कीजिए, मैं इसे आपके साथ नहीं भेज सकता क्योंकि अभी इस पे पागलपन सवार है। सर प्लीज सर, इनकी इच्छा है तो वीर को ले जाने दीजिए। मैं मेरे बेटे को मेरे साथ रखना चाहती हूँ। मुझे मेरे बेटे को ले जाने दीजिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए।
शत्रु। अरे आप हैं? हाँ बोलिए, क्या बात है? अरे आइए ना, खाना खाएंगे। बैंगन की सब्जी बनाई है। नहीं नहीं, मैं अभी तुरंत खाना खाकर ही आ रहा हूँ। ठीक है। सुनो शत्रु, अभी ठंडी का मौसम है, अगर आधी रात को जाकर हम पानी निकालेंगे तो बहुत पानी निकाल सकते हैं। मैं भी आपको यही बात बताना चाहता था, और आप है कि वही बात बोल रहे हैं। बात तो आपने बिल्कुल सही कही है, आधी रात को ही जाकर पानी निकालेंगे। सही कहा। ठीक है ठीक है, जाते समय मुझे भी उठा देना, साथ चलेंगे। बहन मैं चलता हूँ। हाँ, चलता हाँ। हूँ शत्रु। ठीक है भाई। काम भर पानी तो हो गया ना खेत में? ना 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 ना, ना। क्यों, क्या हुआ? खेत में पूरा पानी भरना पड़ेगा। पानी ज्यादा भरा तो खेत में फसल भी अच्छी होगी। पानी डालने से मिट्टी गीली हो जाती है और फसल अच्छी हो जाती है। अरे धरती मेरी सोना, अरे पानी मेरा जीवन। अरे धरती मेरी सोना, अरे पानी मेरा जीवन। अरे चलता रहे जीवन मेरा, अरे जल मेरा दिन, अरे चल मेरा के इतने सारे बाल, ये बाल कहाँ से आए? किसके बाल होंगे? मुझे डर लग रहा है। ये क्या, ये तो बहुत लंबे बाल हैं। ये मोहिनी है ना, बहुत जिद्दी है, इसे मार कर भगा नहीं सकते। इसके बाल पकड़कर सुबह तक बैठे रहो, चाहे वो कितनी भी गिड़गिड़ाए उसके बाल मत छोड़ना। सुबह होते ही वो हवा की तरह उड़ जाएगी, तुम बाल मत छोड़ना। बाल दे दो, छोड़ दो ना बाल। बाल छोड़ो, बाल छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अब देख मैं क्या करती हूँ। नहीं छोड़ेगा। वो सामने आ गई, फिर बैकग्राउंड में साउंड बजता है,
फिर चिल्लाने की आवाज आती है। बस करो भाई। और फिर सीन के बाद जो भूतनी ए रहने दो। ए भाई कहानी बड़ी अच्छी है, अब सर, मुझे आगे जाना है। छोड़ दो भाई, बाद में सुन लेंगे कहानी। अभी जाओ भाई जाओ, बहुत लोगों से कहानी सुनी, तू तो मेरा हार्ट अटैक ही करा देगा, मर जाऊंगा। क्यों भाई, मैं सही वक्त पर आया हूँ ना। भाई आइए भाई। हाँ। इस तरफ कैसे आना हुआ? तुमसे मिले बहुत दिन हो गए थे, इसलिए मिलने चला आया। आइए बैठिए। ये कबाब में हड्डी बन गया सर, डिस्टर्ब ही करते हैं। हे जल्दी आना बे। क्या है? रामनाथ आया है, सारा माल खत्म हो जाएगा। क्या यार, हे लड़की बगल में खड़ी है यार, दो चार बातें करके आता हूँ ना मैं। इसका मतलब तू दुकान में नहीं गया। सही है बेटा सही है, देख जल्दी आ जा समझा। ए ये सब बंद कर दे, यहाँ तक आवाजें आ रही हैं। किसके साथ बात कर रहा है? अबे बस 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 कर, तुम नहीं सुधरोगे। मैं जाता हूँ। ए आता हूँ। ठीक है। ए दांत क्यों दिखा रहा है भाई? एक बार मुझसे भी बात कराओ ना। तू क्या करेगा बात करके? भाई मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम जिससे बात कर रहे हो उस लड़की से मेरी बात कराओ ना। मैं लड़की से ही बात कर रहा हूँ, तुझे कैसे पता? तुम्हारा चेहरा देखकर पता चल जाता है कि तुम लड़की से बात कर रहे हो। ठीक है। ए जानू, गांव से मेरा एक दोस्त आया है, नाम है सुनील। वो बहुत दिनों से तुमसे बात करना चाहता था। मैं उसे फोन देता हूँ, अगली आवाज होगी सुनील की। ए सुन, फालतू बकवास मत करना, बहुत गुस्से वाली है ये, समझ गया ना? अरे जल्दी दो ना। ए हेलो हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रोजा है। अरे रोजा, मैं तो घबरा गया। सुनिए मैं आपकी सारी फिल्में देखता हूँ। ए पागल, मैं वो रोजा नहीं दूसरी रोजा हूँ। आप मुझे डांट क्यों रही हैं? अरे पागल, तुम्हारी उम्र क्या और मेरी उम्र क्या जानते हो? अरे रे, वैसे आप अभी क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बस घूम रही हूँ। अच्छा ये बताइए, आप दिखती कैसी हैं? ब्लैक रोज की तरह या रेड रोज की तरह? ए सुनील बस कर यार, इधर आ। अरे रुक नहीं यार, अभी बात खत्म नहीं हुई है। आपसे बात करने में बहुत अच्छा लग रहा है, दिल कर रहा है दुनिया खत्म होने तक बात करता रहूं। वो तो बाद में हो गया, मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं। ठीक है, मैं पीसीओ पर जाकर एक रुपया वाले फोन से बात करता हूँ। आई लव यू। ए तुमको एक नया लड़का मिल गया तो मुझे भूल गई। अच्छा एक काम कर, मेरे नाम की जगह रोजा फिट कर दे। हाँ ठीक है। भरत किसी को लाएगा कह रहा था। ए, 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 मुझे दो ना। दिखाई से कैसे हो भाई? टेंशन नहीं लेने का, आता हूँ। क्यों दोस्त, उस जमींदार को बेवकूफ बनाया, उसी की पार्टी क्या है क्या? यार तूने बोला इसलिए मैं उस आदमी को डांट कर आ गया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, हम ये फालतू काम क्यों करते हैं यार। रोजा को फोन यार, आजकल की यूथ को देख, बाइक चलाते हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, दिन भर आवारागर्दी करते हैं। और उन लोगों को देखो, हर काम में हमेशा एक नंबर रहते हैं। वो स्टाइल मुझे पसंद है, उनके जीतने का तरीका भी मुझे पसंद है। यार भरत तू किसी आईपीएस को अपने साथ लाने वाला था ना? अरे बाबा मैं तो भूल गया। ए भाई उठो ना यार, उठो ना। क्या हुआ, क्यों उठा रहा है बे? एक लड़की आई है भाई। लड़की? हाँ, चलो चलो। कौन सी लड़की भाई? भाई लगता है नीचे रोजा आई हुई है भाई, मेरे बारे में बात करना ना भाई। क्या बात करूं? उससे कहना कि मैं उससे फोन पर बात करना चाहता हूँ भाई। तू ना कभी नहीं सुधरेगा, चल। ए भाई भाई लड़की है भाई। अरे चुप रहना। हाय वीर। ए हरी, मैंने कहा था ना। कैसा है यार? एक मिनट में अभी आया। सुनिए आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। ए वीर ये मेरी आंटी की बेटी नित्या। हेलो हाय। हाय। हरी ने आपके बारे में बताया था, मकान मालिक को बोल देना कि शादी हो चुकी है। ठीक है, समझ में आ गया ना? हाउस ओनर से कह देता हूँ शादी हो गई है। हाँ आ जाओ जाओ। नित्या जरा चाय लाना। आइए ना। एक मिनट जी। ए भाई एक मिनट के लिए अपना फोन दो ना। हाँ बोल। मैं एक बार फोन करना चाहता हूँ भाई। किसको? रोजा को। देख
मेरी बात सुन, उसके मजाक को तू सीरियस मत ले। उस लड़की का बिल्कुल भरोसा मत कर। अरे भाई वो सब मैं देख लूंगा भाई, तुम खाली फोन दो ना, मुझे बात करनी है। लीजिए ना। बहुत बढ़िया। ये लड़की जो चाय लेकर यहाँ आई है ना भाई, अगर मैंने इसे सब कुछ बोल दिया ना तो ये मुझसे जरूर प्यार करेगी। तेरे से प्यार? मेरी बात सुनो भाई, मेरे प्यार के बारे में कुछ गलत बात मत कहना, क्योंकि मेरा प्यार पवित्र है भाई। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या, फालतू की बकवास किया जा रहा है। भाई तुम उसके बारे में वो क्या कि मैं आउटडोर शूटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ, नित्या यहाँ पर अकेली रहेगी, तुम जरा उसका ध्यान चिंता मत करो, हम लोग यहाँ पर है ना। ए, ज्यादा पढ़े लिखे लोग पागल हो जाते हैं। हेलो 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 रोजा। अरे यार सच कह रहा हूँ, इस जन्म में तुम्हारा दोस्त बाप नहीं बनने वाला है। क्यों यार? क्यों? मुझसे शादी करना चाहता है जो। मैं समझा नहीं। रोजा रोजा। ओ अब समझ गया। अबे आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, बिल्कुल सही कहावत है। तू तो लगे रहे यार और जी भर कर एंजॉय कर, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। बैठो बैठो भाई। भाई मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। बोलना। आज ना मेरी फ्रेंड रोजा मेरे घर पर आ रही है। वो यहाँ पर क्यों आएगी? हम दोनों प्यार करते हैं ना। उस लड़की को बिना देखे तो उससे कैसे प्यार कर सकता है यार? प्यार हो गया और क्या। भाई ये लो तुम्हारे और रविकांत सर के लिए। और ये? ये रोजा के लिए है। लड़की से पहली मुलाकात में उसे बियर पिलाने वाला आदमी तो तू ही हो सकता है मेरे दोस्त। देखना वो तेरे लिए जान भी दे देगी। थैंक्स भाई। मिलने के लिए रेडी है ना? हाँ रेडी। तो जाना जल्दी। ये बुढ़ी कबाब में हड्डी बनकर क्यों बैठी है? अभी तक रोजा क्यों नहीं आई? रोजा को देखने के चक्कर में वो बियर पी जाएंगे। चलो देखता हूँ। ए पीना यार। भाई 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 इस महीने का पगार लेकर नया फोन खरीदूंगा और रोजा से बात करूंगा भाई, सिर्फ एक बार फोन दे दो ना भाई। भाई भाई प्लीज भाई प्लीज भाई। वो मुझे फोन नहीं करती, मैं उसे फोन क्यों करूं? सर रविकांत सर आप फोन दीजिए ना सर, फिर तो मेरी प्रेम कहानी सुनेगा ना। अभी जो मेरी हालत है मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ सर, लेकिन मैं अभी आपकी कहानी सुनूंगा तो जल्दी ही मर जाऊंगा सर, लेकिन मैं रोजा के साथ जीना चाहता हूँ सर। भाई भाई प्लीज दे दो ना फोन। अपना फोन दो ना भाई। हे तुम उससे बात क्यों नहीं करती हो? ए फोन उस पागल को देना। तो मुझे मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ पर हो रोजा? तुम्हारे दोस्त मुझे बहुत डांट रहे थे, मैं नहीं आती, जाओ। वो गुस्से से नहीं डांट रहे थे, I love you। ओ पागल पागल पागल। हाँ आओगी ना रोजा, मैं तुम्हारे लिए बियर लाया हूँ। देखिए अब बस कर, वो तेरे प्यार में पूरा पागल हो गया है, इसके पहले कि वो देवदास बन के कुछ कर जाए तो उसको सच बोल दे। चल तुम मुझे धोखा नहीं दोगी ना, आ जाओ ना। आ जाओ रोजा। ए, सुनील मैं इंतजार। देख रोजा नाम की कोई लड़की नहीं है, हम तेरे से मजाक कर रहे थे यार। जाओ ना भाई, तुमको प्यार अच्छा नहीं लगता इसीलिए बोल रहे हो। देखा ना रोजा, भाई कह रहे हैं कि हम दोनों का प्यार झूठा है। हे पागल हो गया क्या, मैं यहाँ तेरे सामने खड़ा हूँ। भाई रवि को चुपचाप रहने के लिए बोल दो ना भाई। रोजा तुम यहाँ आ रही हो ना? ए ये जो अपना रवि है ना वही रोजा है। तुम चुप रहो ना भाई। रोजा 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 जाओ भाई, तुम्हारे डांटने से रोजा ने कट कर दिया। देख सुनील, इतने दिनों से तेरे साथ अपना रवि ही रोजा बनकर बात कर रहा था, अब रो मत, एक काम कर अभी उसे फोन कर। रवि जरा फोन दे। चल फोन लगा। ये देख
समझ में आ गया, सब क्लियर है अब? रवि ही रोजा है, अब तो क्लियर है ना? आपके पास माचिस है? आज आप अलग दिख रही हैं। मैं हर दिन अलग अलग दिखती हूँ, तो आज मैं ऐसी हूँ। अरुण कहाँ है? अरुण बाहर गया है। घर में बोर हो गई थी, अभी अभी मैं डिस्कोथेक से ही आ रही हूँ। आज सिर्फ एक दिन के लिए प्लीज। हाँ ठीक है, थैंक यू। वीर, सब लोग वहां डांस कर रहे हैं, तू यहां चला आया, कोई बात हो गई क्या? हाँ? मैं भी पास में आ जाऊं क्या? हाँ आइए ना। खाना खा लिया क्या? मैंने तो खा लिया, आपने खाया क्या? बहुत अच्छा खाना था। ए, तू अंदर जा। क्या हुआ यार? मुझे अकेला रहने दे। सुनो, अकेले में बोर हो रहा हूँ, आओगी क्या? ए, तुम्हारे लिए रूम बुक कर दूं, जाना है क्या? ए, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा तू। नलिनी सॉरी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे कोई नहीं मिल रही, इसी से गुस्सा है क्या? मुझे कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं गुस्सा हूं, बोल क्या करेगा? ए, तुमने खुद बनाया अपना ये हाल, हम तुम्हारे लिए अपनी खुशी नहीं मनाए क्या? सुन, बात मत करो। इतने में तुझे बुरा लग गया ना, एक बार मेरी जगह रहकर सोच। समझ गया, अब तू डायरेक्टर बन गया ना, इसीलिए तुझे चर्बी चढ़ गई है। सही कहा, चढ़ गई है। तुम सब मिलकर मुझे मार डालो। दो दिन में मुझे उनको कहानी सुनानी है। घर में जरा भी शांति है क्या? जब देखो नाचना गाना चिल्लाना। नीचे रितिया परेशान करती है, ऊपर तुम दोनों का शुरू हो जाता है। दो मिनट अकेले कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूं मैं। आखिर कब तक मुझे ऐसे टॉर्चर करोगे तुम लोग? मुझे फिल्म बनानी है यार, लिखने के लिए एक और रूम लेने की औकात नहीं है मेरी। अब बस करो। कहां जा रहा है तू रवि? मेरी बात तो सुन, ये क्रिएटिव काम है रवि। ए, सड़क पे को जा रहा है, रुको गाड़ी, रुको रुको। ए, यहां क्या कर रहे हो? रूम में गर्मी लग रही थी इसलिए बाहर आ गया। गर्म लग रही है? रात के 12 बजे बाहर घूमोगे क्या? सर ऐसा नहीं है। क्या सर? आप इज्जत से बात कीजिए। मैं तुझे इज्जत दूं? देखिए सर। ए, ऐसे क्यों घूर रहा है? इसे अंदर डालो, अंदर डालो इसे। ओके सर। क्या मैं रोड पे अकेला घूम भी नहीं सकता हूँ सर? हाँ नहीं जा सकते हो, तुम्हारे बाप की रोड है क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? ये सारी रिपोर्ट लिख देना और इंस्पेक्टर साहब को दे देना, ठीक है? वीर, अगर नित्या ना होती तो तू बाहर नहीं आता।
पैसा पैसा, अरे इंसान को सड़क पर चलने का हक भी नहीं है क्या? गली में इडली बेचने वाले से 10 बजे के बाद पैसा वसूल करता है, अगर उसने दुकान टाइम पर बंद नहीं किया तो उसकी सारी इडली और बर्तन फेंक देता है। सड़क पर चलने वाले ही इनके लिए अक्यूज्ड हैं। अरे चोर को तो ये लोग कभी नहीं मारते। जानते हो ना, एक दिन में इतिहास नहीं बदल सकता। ऐसी बात नहीं है नित्या, इसे यहाँ पर लाना ही गलत था और उसके बाद इसे घर ले जाने के 3,500 रुपए मांग रहा है। किस असिस्टेंट डायरेक्टर के पास पैसे होते हैं बताओ? तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। खैर जाने दो ना। सॉरी यार, मुझे मालूम नहीं था, इसीलिए ऐसा हो गया। आगे से ऐसा नहीं होगा। नहीं यार, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। आपकी बातों को मैं गलत समझी थी, इसलिए आई एम सो सॉरी। सॉरी बोल दिया ना, चलो अब चलते हैं यहाँ से। ऑटो। या हेलो, व्हाट आर यू डूइंग? हे, तुम 3-4 ड्रेस पहन कर स्विमिंग पूल में नहाकर बाहर आने के बाद अपना बदन मत पोंछना। फुल लेंथ बॉडी पर अपना एक फोटो खींचो और मुझे मेल कर देना, ओके? डार्लिंग, आई एम सो बिजी यार। भूख नहीं लगी है? अरे बिजी बिजी मतलब काम में व्यस्त हूँ। आज रात को मलेशिया जा रहा हूँ। ये तो मेरे लिए मामूली बात है। फ्लाइट से स्वाइंग, फ्लाइट से मलेशिया। ए इंक्वायरी वाले चूहे, आई नीड ओनली गर्ल्स, ओके? तू अपना चेहरा मुझे दिखाना भी मत, समझा? चल जा। हाय दोस्त, कैसे हो? सब ठीक है? अच्छा हाँ, वो मैं लेटर सेंड कर दूंगा। कौन है यार ये? कास्टिंग डायरेक्टर है, अभी लाया है इसे, आज से यहीं रहेगा और यहाँ रह के अपना दिमाग खाएगा। ओ, तुम्हारा एल्बम देख रहे हैं, तुम्हारी फोटो कॉपी तो है ना? अच्छा एक काम करो, चेन्नई में पोर्टफोलियो करा लो, ओनली 1 लाख मेरे अकाउंट में डिपॉजिट होते ही काम हो जाएगा। लाखों की बातें करो तो कुछ कुत्ते नाराज हो जाते हैं। एंग्री मैन, चलना। यू कंटिन्यू डार्लिंग। अच्छा मैं ये कह रहा था, यू नीति राइट? भाई एक चाय बोलूं क्या? एक स्ट्रॉन्ग टी बोल। एक स्ट्रॉन्ग चाय। क्या भाई, मास्टर जी को भूत की कहानी सुनाई और वो कहानी सुनने के बाद वो तो बहुत घबरा गए हैं भाई। तांत्रिक से ताबीज भी बनवाया है, ये रूम में जाते समय आजा आजा कहकर मेरी जान खा रहे हैं। भाई ऐसी कौन सी कहानी सुनाई, ये मुझे रोज टॉर्चर कर रहे हैं। चाय दे दो। ये लो भाई चाय। सुपर आइडिया दिया भाई, अब बस करो। मुझसे सहन नहीं हो रहा। भाई आप टेंशन में हैं, चाय लेकर आऊं क्या? ए, व्हाट्स योर प्रॉब्लम मैन? पता नहीं इसे क्या हो गया है, समझ नहीं आ रहा। रवि लगता है ये रूम खाली करना पड़ेगा। क्यों? मुझे डर लग रहा है यार। डर? तुझे क्यों ऐसा? इस घर में 2 भूत हैं। भूत? ओ, तो मैं भूतनी हो गई हूँ क्या? ए, जब देखो बकवास करती है, मुंह बंद कर। ए, क्या बक रहा है ये? अचानक तू भूत और चुड़ैल की बातें करने लगा है, क्या हो गया तुझे? पहले मैं यकीन नहीं करता था मगर अब यकीन करना पड़ रहा है। घर की सीढ़ी पर वो जो दादी बैठती है ना, उन्होंने उस भूत को देखा है। एक बार मुझे भी फील हुआ रात में करीब 11 बजे के बाद। सर 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 सर, ऐसा लगा कि कोई चीज जल रही है, उसका धुआं मुझ तक पहुंचा। यार वो तो उस समय वहां कोई सिगरेट पी रहा होगा। मैंने भी पहले यही सोचा था पर तुम ही बताओ, एक सिगरेट जलाने के लिए कोई इतनी बड़ी आग लगाएगा क्या? सुनो, ठीक 11:30 बजे के बाद छन 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 छन, ऐसी आवाज सुनाई देती है। कभी ऐसी आवाज सुनी है क्या? नहीं। तुम्हें लगा टीवी पर गाना चल रहा होगा? हाँ गाना। भाई मुझे भी ऐसा ही लगा था, किसी गाने के अंदर छन छन पायल की आवाज बज रही होगी। तभी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देगी, ठीक 12 बजे।
उस पेड़ के पास से एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज आती है। बैग लिए बिना यहां से कैसे भागू? बिल्कुल ऐसी ही आवाज सुनी थी मैंने। तुम लोगों ने भी सुनी है क्या? जब बिल्ली का मूड होता है तो ऐसी ही रोती है। तूने ही तो कहा था, और अब तू बोल रहा है कि भूत है। मैंने मजाक में कहा था। सच्चाई ये है कि वो एक लड़के की आवाज है। देखो तुम लोग मुझे जानते हो, मैं कभी नहीं डरता, पर अब मुझे लगने लगा है मैं भूत से डरता हूं। सच कह रहा हूं, मुझे भूत से डर लगता है। उस पेड़ को देखो, देखो ऐसा लग रहा है कि कोई वहां से मुझे बुला रहा है। देखो वहां, वहां पर सोने की रंग की एक परी है। वो परी मुझे बुला रही है। मैं सच कह रहा हूं यार, मेरे एक एक अल्फाज सच है। दादी ने एक और सच बताया था। वो क्या सच है? आज से 15 साल पहले घर इतने पास नहीं होते थे। वो 100 मीटर और 200 मीटर की दूरी पर हुआ करते थे। हम लोग आज जहां पर बैठे हैं, ये घर पहले एक मंजिला हुआ करता था, और इस घर में एक सुंदर सा परिवार रहता था, और वो लोग क्रिश्चियन थे, और उनके साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी। उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। वो 17-18 साल की होगी। उसका नाम क्या था? उसका नाम हाँ, मर्लिन। मर्लिन मेनरो? हाँ राइट, यही नाम था। वो लड़की क्रिश्चियन होते हुए भी भरतनाट्यम में कमाल थी, बहुत बढ़िया डांस करती थी। और जब वो लड़की यहाँ पर नाचती, उसके पायल की आवाज सुनकर लोग चले आते। इस जगह से कोई 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक ऑटो स्टैंड था। वहां के 4-5 ड्राइवर्स की नजर मर्लिन पर थी। वो चारों पांचों ड्राइवर मौके की तलाश में थे। एक दिन उसके माँ बाप प्रेयर के लिए चर्च गए हुए थे। उस दिन मौका पाकर उन चारों ड्राइवर ने मर्लिन के साथ रेप किया। इतना ही नहीं, उसे बेरहमी से मारकर उन चारों ने इस पेड़ के नीचे उसकी लाश को गाड़ दिया। जब उन्होंने उस लाश को गाड़ा था, उस वक्त ये आम का पेड़ इतना सा था। मर्लिन की लाश को गाड़ने के बाद यह आम का पेड़ इतना बड़ा हो गया, अचानक से बहुत सारे फल देने लगा। बेटी की मरने की खबर सुनकर उसके माँ बाप ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस वक्त हम जिस कमरे में बैठे हैं ना, इसी कमरे के पंखे से उन दोनों ने फांसी लगाई थी। उस घटना के बाद मर्लिन हर रात 11 बजे के बाद उस आम के पेड़ पर बैठकर ऐसे करके रोती है। इस बात को 10-15 साल हो गए हैं। इस पूरी घटना के बारे में उस बूढ़ी दादी ने मुझे अब जाकर बताया। नित्या यहाँ पर रहती है, उसे ये बात पता है। दादी ने मुझसे ये भी कहा था कि मैं ये सारी बातें किसी और से नहीं कहूं, नहीं तो मर्लिन दादी को मार सकती है। दादी ने मुझसे कहा कि मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम लोग संभल जाओ। ए भाई जाओ ना भाई, आप ना नित्या को यहाँ पर रहने नहीं देना चाहते, इसीलिए ये भूत वाली झूठी कहानी सुना रहे हो ना? मैंने खुद ये महसूस किया है। नहीं भाई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों भाई, भूत के नाम से सबको डरा रहे हो? मैंने तो सिर्फ सच बताया है। बस इतना ही? ये तो मैं भी जानता हूँ। कमाल है, बुड्ढा भी आकर बोल रहा है। सच कह रहा हूँ, ये मुर्गे से बात करने के लिए छत पर जाता था, तभी वो मुझे क्रॉस करके चली जाती थी। मैं मुर्गे का भक्त हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बच गया। लेकिन चूहे मर के जब 10 दिन हो जाते हैं तो उनसे कैसी बांस आती है पता है? वैसी ही सेम टू सेम बांस उससे आती है। अब संभालो भाई। भाई ये क्या है भाई, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं?
काहे का झूठ? चल शर्त लगी, आज रात 12 बजे लाइट ऑफ करके छत पर जाकर उस आम के पेड़ को एक मिनट घूर कर देखेगा और जिंदा वापस आ जाएगा तो तुम जो कहोगे मैं वो हार जाऊंगा, इस बात की शर्त लगी। चलो हंस रही है, ठीक है तू भी मान जाएगी। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। अभी टाइम क्या हुआ है? 11:30 हो गए। 11:30, हमें बस आधे घंटे और वेट करना है। मैं देख कर आता हूँ। मैंने कहा था ना, अब समझ में आया ना? मैंने भूत को देखा, देख लिया ना? तुझसे पहले ही कहा था। रिलैक्स रिलैक्स, शांत हो जा। अब रिलैक्स हो जा, शांति से सो जा। वीर, हे वीर, उठ, उठना। हे, वो दादी मर गई यार। क्या? दादी तो मर गई यार। और से नहीं कहूं, नहीं तो मर्लिन दादी को मार सकती है। Yeah.
कौन है? ए, रूम में कोई लड़की है क्या? पागल हो गया क्या? क्या हो गया इसे? मेहनत की है। ए भाई बोल ना, क्या हुआ? मैं इसे क्या करूंगा? हाँ। पेन कहाँ है? लेकिन भाई पेन दो, मैं इसे बोल ना क्या हुआ? तुम बहुत डिस्टर्ब हो, मेरे घर चलते हैं। हाँ। मेरी बात मानो, तुम्हें अच्छा लगेगा। चलो नित्या सही कह रही है, चल उसके घर चलते हैं। चल हाँ भाई उठाओ, चलो घर पर चलते हैं आराम से। अरे चलो चलो चल उठ जा। अरे चलो ना, क्या देख रहे हो? अरे बेकार में डर रहे हो। ए घर इधर है। ठीक है, तुम बैठ जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। बैठ जा भाई। क्या सोच रहा है तू? ये लो चाय पियो। थैंक्स यार। वीर तुम भी लो। ए सुनना, सिगरेट देना यार। सिगरेट चाहिए? हाँ। लेकर नहीं आया यार, लेकर के आता हूँ। अच्छा नित्या जरा ध्यान देना, नहीं तो ये चाय के भाव से भी डर जाएगा। वीर कल तुमने झूठ बोला था ना? हाँ नित्या,
स्क्रिप्ट पूरी करनी है और इस मौके को मैं खोना नहीं चाहता। मेरे रूम में कितना डिस्टरबेंस था, उनको कितना भी समझाऊं वो लोग समझ नहीं रहे थे, इसीलिए उन्हें डराने का नाटक करना पड़ा। सोचा रूम फ्री हो जाएगा और फिर मैं आराम से स्क्रिप्ट पूरी कर लूंगा, लेकिन मैंने जो कुछ कहा था वो सब सच हो गया। अब मुझे नित्या बहुत डर लग रहा है सच में। ये सब क्या हो रहा है, मेरी समझ नहीं। जाने दो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम वो सब याद कर रहे हो ना, इसलिए तुम वैसा ही फील कर रहे हो। भाई कहाँ हैं? नहा रहे हैं। भाई ए, लिख लिया क्या? सब ओके है ना? हाँ मैंने सब लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है अभी निकलते हैं, पहुंच जाएंगे। ओके ये ले। हे सुनना, मैनेजर चिन्ना का फोन है यार, ये ले। हाँ सर बोलिए। आप तैयार हैं ना भाई? हाँ हम बिल्कुल तैयार हैं। चले ठीक है यार। कॉस्ट्यूम वाले को बोलो कि सारी कॉस्ट्यूम रेडी कर दे। ठीक है। और उसके बाद एक काम करना, वर्कशॉप के लिए सारे एक्टर्स की डेट फाइनल कर दो। ठीक है बोल दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। और मैं सीधा वर्कशॉप में मिलूंगा। कोई बात नहीं सर। पागल हो गया तू? ऐसे कोई बिहेव करता है क्या? हट। सॉरी भाई। सॉरी यार, माफ कर दे। चुप हो जा। आज क्या बनाया? भाई अपने गांव की तरह सब्जी बनाया हूँ। अरे वाह कमाल कर दिया, आज तो खाने में मजा आ जाएगा। हाँ ठीक है भाई। और रवि, अच्छा सुन, तुम उसे नाराज तो नहीं है ना? मुझे क्या नाराज किया यार, ग्रेट डायरेक्टर वीर की फिल्म में एक्टिंग कर रहा हूँ मैं तो बहुत खुश हूँ यार। अरे नहीं रे ऐसा नहीं है, तू भी तो हीरो है। ए वीर, हर एक्टर फिल्म में या तो हीरो बनना चाहता है या तो फिर सेकंड हीरो बनना चाहता है ना, क्यों? सही कह रहा हूँ ना? देख यार तुझे मेरी हेल्प करनी होगी, ठीक है? मना नहीं करना, ठीक है ना? क्या करना है? देख तेरी फिल्म में सेकंड हीरो हूँ मैं, वो पुलिस ऑफिसर होना चाहिए। IPS की एक्टिंग करनी है मुझे। मुझे ना अपने गाँव के लोगों को दिखाना यार। पुरानी बातें भूला नहीं है तू? सपना है यार। भाई मुझे भी IPS के साथ आना है, मुझे भी एक होटल में कैंटीन के वेटर का रोल कर ले। ए चुप रहो, बकवास मत करो, इसको एक्टिंग नहीं आती, रोल मत देना। ए एक आंख बंद है ना, एक लाफा दूंगा दूसरा भी बंद हो जाएगा। बैठ। ए चलो बैठ। रोल देने से अच्छा ना अफ्रीका के बंदर को रोल दे दो, मजा आ जाएगा। नहीं, 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 नहीं,
अरे यार तुझे क्या हो जाता क्या है हुआ? हम लोगों को क्या हो जाता है? इस रूम में नहीं रहना चाहिए यार, आज ही बदल देंगे इसे, यहाँ से कहीं और चलेंगे यार, प्लीज चल चलते हैं यहाँ से, चल। हाँ भाई हमें ये रूम नहीं चाहिए भाई। सर 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 आपको प्रोड्यूसर साहब ने 9 बजे बुलाया है। 10 मिनट रुको मैं अभी आता हूँ। आप अपने बेटे को लेकर गई थी, ठीक हुआ क्या? क्या बताऊं? उसका इलाज ठीक से नहीं हो रहा है। कुल्ली मलाई में एक स्वामी जी है। आप सच कह रहे हैं? हाँ बहन, वहाँ जाओगी ना तुम्हारे सारे दुख कट जाएंगे। तुम वहाँ जाकर के उसका इलाज कराओ, सब ठीक होगा। ठीक है भैया। Thank you.
आजा बेटा, आराम से बेटा, आगे चल, आजा, आजा, चलो बेटा, आजा बेटा, आजा, बैठ जाओ बेटा, बैठो, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, स्वामी जी, नमस्ते स्वामी, स्वामी जी, इसे देखिए स्वामी जी, कौन हो तुम? किसके पास आई हो? तुम्हें पता है घूरोगी तो छोड़ दूंगा क्या? सच बताओ वरना डंडे से मारूंगा। बोल बोल बोल। तू जहाँ से भी आई है इसे छोड़ कर चली जा, वरना तेरे लिए बुरा होगा। तुझे जो चाहिए ले ले, लेकिन जा यहाँ से। तेरे लिए भी अच्छा होगा, इसके लिए भी अच्छा होगा। क्यों इसे परेशान कर रही है? तू इसे बहुत प्यार करती है क्या? चली जा यहाँ से वरना चाबुक से मारूंगा। निकलेगी कि नहीं? बोल, निकलेगी कि नहीं? चली जा, जाएगी कि नहीं? नौटंकी मत कर मेरे सामने, चुपचाप बता औरत है या कुमारी, बता। रो क्यों रही है? नाम बता अपना, मैं तेरा बाप हूँ। मेरा नाम, मेरा नाम रजिया बेगम। रजिया बेगम। ओ, मुसलमान लड़की हो, क्यों इसके अंदर आई? प्यार। एक खुशी की बात है। क्या बात है? इधर आओ ना, बताता हूँ। वहीं से बताओ। मैं एक बड़े डायरेक्टर के पास एज एन असिस्टेंट लग गया हूँ। या अल्लाह। अच्छा? कौन सा डायरेक्टर है? तरुण बच्चन। उसने कौन सी फिल्म बनाई है? हम दोनों, दो आंखें बारह हाथ, हम दोनों दो आंखें बारह हाथ, और अभी टाइगर नाम की नई फिल्म बना रहा है, उसके लिए मुझे बुलाया है। बेस्ट ऑफ लक। मेरे बारे में क्या जानते हो? एक लड़की मन में बस गई तो उसकी पूरी डिटेल हम जान लेते हैं। मेरे दिल के बारे में क्या जानते हो? सब कुछ जानता हूँ। पहले मुझे तुम अपना चेहरा दिखाओ। मेरा चेहरा देखकर क्या करोगे तुम? मैं, मेरा ये चेहरा, मेरा ये पर्दा, मैं पिंजरे में बांधी हुई
एक चिड़िया हूँ। आईना भी मुझे देखना पसंद नहीं करता, इसलिए मेरा चेहरा देखने की जिद मत करो। मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है तो तुम्हारे चेहरे से मुझे क्या मतलब है? मैं तुम्हें अपनी परी मानता हूँ। सच कहते हो? हे, क्या हुआ? कुछ नहीं, थैंक्स। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। हे, मत खोलना। ओके ओके। ए, अपनी आंखें बिल्कुल मत खोलना। नहीं खोलूंगा। अभी तक मैंने कभी बालों में फूल नहीं लगाए हैं। माँ जी, फूल चाहिए। ले लो भैया। पैसे पैसे नहीं है माँ जी। अभी तक मेरी बहन ही नहीं हुई। माँ
भाजी प्लीज। ठीक है ले लो ले लो। शुक्रिया माजी, थैंक्स। हाँ कुछ नहीं होगा, जाइए। स्वामी जी, पहले जो लड़की आई थी मरलिन नाम की क्रिश्चियन लड़की थी, अभी जो आई वो मुस्लिम लड़की है, तो फिर वो सपनों की कहानी है। रजिया बेगम ही सच है, वो भूतनी नहीं है।
उस लड़की को धोखा दिया है ये सोचकर ये अभी तक दुखी है, मतलब अपनी गलती का एहसास। मेरी वजह से वो लड़की मर गई ये सोचकर उसके दिमाग में रह रहकर मरलिन का साया उसके मन में आता रहता है। उसने मरलिन के माँ बाप जैसा कहीं किसी को देखा होगा और उनके हिसाब से उसने एक कैरेक्टर बना लिया होगा। भरतनाट्यम झोपड़ी सब उसके दिमाग का खेल है। वो सारे ऑटो ड्राइवर, उन्हें भी उसने कहीं देखा होगा, उनसे उसकी नाराजगी रही होगी, ये सब उसके दिमाग में बैठ चुका होगा। मनोविज्ञान की भाषा में इसे सिज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। भूत नहीं होता है, सब मन का भ्रम होता है। अंग्रेजी दवा से ठीक नहीं कर सकते क्या? मेरा इलाज पर्याप्त है। दोबारा उसके साथ ऐसा ना हो उसकी जल्द से जल्द शादी करवा देनी चाहिए। शादी? हाँ, उसके शरीर की जरूरत समय पर पूरी होनी चाहिए, वरना दिमाग पर और असर होगा और उसके दिमाग को डैमेज करके प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है। सुना होगा आपने, लड़कियों औरतों को बहुत जल्दी पकड़ता है। कारण बहुत से हो सकते हैं जिसमें मुख्य कारण है सेक्स। उसकी शादी करवा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। रविकांत सर, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बड़ा स्टार बन गया है तू तो। बढ़िया बढ़िया। नमस्ते नमस्ते। आ जाओ जाओ बेटा, आ जाओ। चलो चलो सब लोग चलो। हाँ नमस्ते नमस्ते। दूल्हा बहुत हैंडसम है, संभल कर रहना। आज के बैठी हो, जाकर तैयार हो जाओ। मैं तो कब की तैयार होकर बैठी हूँ। ये लो, संभल कर जाना, ठीक है? चल चल चल, आज तो ये गई। मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? मुझे देखते ही तुमने पसंद क्यों कर लिया? मैं डायरेक्टर हूं इसलिए। छे छे, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आपको पहली बार देखते ही बहुत दिनों से दोस्ती है ऐसा मुझे लगा, इसलिए। तुमने मुझे पहले देखा था? नहीं तो। जब मैंने तुम्हें देखा तो ऐसा ही फील हुआ था। सच में? हाँ सच में। पिछले एक हफ्ते से मैं यही सोच रहा था कि तुम्हें कहाँ देखा है, याद नहीं आ रहा मुझे। आपने अभी तक दूध नहीं पिया। इतनी जल्दी भी क्या है। दरवाजा बंद कर दो ना। सॉरी।